वरिष्ठ कवि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी विमल के नवीनतम काव्य संग्रह अनंत आकाश का लोकार्पण वरिष्ठ साहित्यकार स्तंभकार कलाकुंज के संपादक पद्मकांत शर्मा ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि ये काव्य संग्रह समाज का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगा। दून पुस्तकालय एवं हिमालय पर्यावरण सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ कवि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी विमल के नवीनतम काव्य संग्रह अनंत आकाश का लोकार्पण किया गया। दून पुस्तकालय के सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार स्तंभकार कलाकुंज के संपादक पद्मकांत शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि पर्यावरणविद एवं उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश बावला, एडवोकेट वर्तिका त्रिपाठी, एडवोकेट गौरव त्रिपाठी एवं दून पुस्तकालय के चंद्रशेखर तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पद्मकांत शर्मा ने कहा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने अलग अलग विषयों पर लंबी लंबी रचनाएं प्रस्तुत कर अपने साहित्यिक ज्ञान एवं साहित्य शब्दों में अपनी गहरी पकड़ का आभास कराया। उनकी रचनाएं पाठकों को जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि डॉक्टर त्रिपाठी आज के युग में अति सरल रचना धर्मी हैं, जैसा कि उनकी रचनाओं को पढ़ने से उनकी समाज के प्रति सकारात्मक छवि परिलक्षित होती है। विशिष्ट अतिथि असीम शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा लंबी लंबी रचनाओं का सृजन उनकी साहित्य में पैनी पकड़ को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश बावला ने डॉक्टर त्रिपाठी को समाज का सच्चा एवं खरा हितैषी कहकर संबोधित किया और कहा कि उनकी रचनाएं समाज का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।